गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करवाने वाले हैं कक्षा 12वीं अंतरा भाग 2 जो बुक है आपकी हिंदी की, उसका चैप्टर नंबर है 19, राम विलास शर्मा ने लिखा था। तो आज हम इस चैप्टर को बताएंगे। तो आइए करते हैं चैप्टर को पहले सबसे पहले राइटर की समरी से स्टार्ट। इनके जो राइटर हैं, लेखक का नाम है राम विलास शर्मा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नव जिले के उच्च गाँव सानी गाँव में हुआ था। इनका जन्म जो है सन 1912 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2000 में हो गई थी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त करी थी। पीएचडी करने के उपरांत उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में ही कुछ समय तक अंग्रेजी विभाग में अध्यापन किया। सन 1943 के अंतर्गत और 1971 तक वे आगरा के बलवंत राजपूत कॉलेज तथा अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। 1971 के बाद कुछ समय तक वह आगरा में एक के एम मुंशी विद्यापीठ के निर्देशक रहे। जीवन के आखिरी वर्षों में दिल्ली में रहकर साहित्यिक समाज और इतिहास में संबंधित चिंतन तथा लेखन करते रहे तथा इसी तरह उनका जो है देहावसान हो गया था। अब वो बताते हैं अपने बारे में कि वो कहाँ पढ़े भले थे। तो वो दो बार तो अपने प्राध्यापक मतलब कि एज अ प्रिंसिपल रह चुके हैं अपने कॉलेजेस में, ठीक है। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक भावशास्त्र, समाज चिंतक तथा इतिहास संवेदना भी रहे हैं। साहित्य के अनुसार में उन्होंने कवि को और आलोचनात्मक के रूप में प्रदर्शन किया है। उनकी काफ़ी कविताएं अज्ञेय द्वारा संपादित तारसपातक में संकलित है। हिंदी के प्रगतिशील आलोचनात्मक तथा सुव्यवस्थित करने के लिए इनको नई दिशा देने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया था। उनके साहित्य चिंतन के अंदर केंद्रित में भारतीय समाज का जीवन, जनजीवन और समस्याएं भी आकांक्षाएं रही है। उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भूभूति के काव्य का नया मूल्यांकन और तुलसीदास के महत्व का विवेचन भी किया है। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब हम चलते हैं चैप्टर की समरी की तरफ। इन्होंने जो पाठ लिखा है उस पाठ का जो शीर्षक है, शीर्षक का नाम है यहाँ पर लिखा है यथास्मेव रोचते विश्वम, नामक निबंध तथा निबंध संग्राम विराम चिन्ह के लिए किया गया है। विराम चिन्ह से लिया गया है इनको, जो इनका निबंध संग्रह है वो विराम चिन्ह से द्वारा लिया गया है। इसमें उन्होंने कवि की तुलना प्रजापति को बताते हुए करते हुए कम से कम प्रति सचेत किया है। लेखक के अनुसार साहित्य जहाँ एक और मनुष्य और मानसिकता विश्रांति प्रदान करता है, वहीं उसी ओर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। सामाजिक प्रतिबंधता साहित्य की कसौटी होती है। 15वीं शताब्दी में आज तक वे सत्यवित तथा साहित्य के अध्ययन मूल्यांकन के लिए रामविलास जी ने जनवादी साहित्य चेतना को मान्यता दी है। तो यहाँ पर जो हम इनके साहित्य के बारे में पढ़ेंगे, इनका जो साहित्य है वो इंसान के लिए मतलब प्रेरणा हेतु एक बनाया गया है जिसका नाम है यथास्मेव रोचते विश्वम। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रजापति ने कवि की तुलना करते हुए किसी ने बहुत कठिन या बहुत ठीक लिखा है, यथास्मेव रोचते विश्वम तथेद परिवर्तते। कवि को जैसे रुचि लगती है वह वैसे ही संसार को बदल सकता है। मतलब कि वहाँ वो अपने कवि का बताना चाहते हैं कि अगर एक कवि है जिसको जिस हिसाब से अपना संसार या अपना विश्व चाहिए, वो उस हिसाब से संसार को अपने लेखकों को अपने शब्द के हिसाब से बदल सकता है। आगे वो बोलते हैं, यदि साहित्य समाज का दर्पण होता है तो संसार को बदलने की बात न उठती। कवि का नाम जो कवि का काम है यथार्थ जीवन के प्रतिबंध करने के लिए होता है और वह प्रजापति का दर्जा न पाता। वास्तव में प्रजापति ने यह समाज को बनाया है, उससे असंतुष्ट होकर नया समाज बनाना कवि चाहता है तथा जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनानी विद्वानों के बारे में कहा जाता है कि इस कला को जीवन की नकल समझते हैं और अफलातून के अनुसार संसार को असफल तथा असल की नकल बताकर कला को नकल की नकल कहा जाता है। जो कला होती है वो अगर किसी के द्वारा ली गई है या किसी के द्वारा चुराई गई है तो हमेशा नकल, वो कॉपी रहती है जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन अरतुस ने ट्रेजेडी के लिए जब कहा था तो उसमें मनुष्य जैसे हैं वैसे ही बढ़कर दिखाए जाते हैं तथा इसे वह असल नवीन कला का खंडन हो जाता है। जब वाल्मीकि ने अपने चित्रित नायक के द्वारा गुण गिनाकर नारद से पूछा कि ऐसा मनुष्य कौन है, तब नारद ने पहले ही यही कहा, भावो दुर्लभेश्वा चेचत्वा कृति नानी गुणा, दुर्लभ गुणों के
दुर्लभ गुणों को एक ही पात्र में दिखाकर आदि कवि के समाज के दर्पण को प्रतिबिंब न किया, वरन प्रजापति की तरह वह नई सृष्टि की थी। कवि की इस यह नई सृष्टि निराधार नहीं होती, हम उसमें अपनी ज्यों की त्यों आरती तथा आकृति भले ही देख सकते हैं, पर ऐसे ही वह आकृति जरूर देखते हैं जिसमें हमें प्रिय है। अब वो लोगों के बारे में बताना चाहते हैं कि जो लोग हैं वो ऐसी चीज़ों को देखना पसंद करते हैं जिसमें वो अच्छे दिखें। अगर कोई भी उन्हें ऐसा कहता है कि नहीं तू बुरा है तू गलत है, तो वो उस चीज़ को ठुकराना या छोड़ना चाहते हैं। आगे इसी के माध्यम से जो है कवि बताते हैं, जैसी हमें प्रिय है जैसी आकृति हम बनाना चाहते हैं, जिन रेखाओं और रंगों से कवि चित्र बनाना चाहता है या बनाता है, वे उन्हें के चारों ओर यथार्थ जीवन के बिखरे हुए हैं तथा चमकीले रंग के सुधर रूप में नहीं हैं। चित्र के पार्श्व भाग में काली छायाएं और वह यथार्थ जीवन से भी ले लेता है। आगे कवि बताता है कि चित्र के जो पार्श्व भाग की काली छायाएं हैं, मतलब कि छाएँ हैं, वो सारी की सारी किसी द्वारा ली जाती हैं। राम के साथ वह रावण का चित्र न खींचे तो गुणवान वीरवान कृतज्ञ सत्य वाक्य दृढ़ता चित्रवान दयावान विद्वान समर्थ समर्थ और प्रियदर्शी नायक का चित्रण फीका हो जाएगा। वो बताना चाहते हैं अगर किसी के गुण दिखाने हैं तो उसके बगल में एक अवगुणों का होना जरूरी होता है। किसी भी गुण को निखारने के लिए अवगुण जब तक उसके समान तुलना में नहीं होते तो गुणों की पहचान नहीं कर पाते। अर्थात इसी तरह वो बताते हैं, वास्तव में उसके गुण को प्रकाशित होने का अवसर नहीं आएगा। कवि अपनी रुचि के अनुसार अब विश्व को परिवर्तित करना और ये बताना चाहते हैं कि विश्व में कितना असंतोष क्यों है। वह यह भी बताना है कि विश्व में कितनी रुचिता या क्या रुचिता है जिससे वह फलता फूलता देखना चाहते हैं। उससे चित्र में रंग चमकीले रंग और पार्श्वभूमि की गहरी काली रेखाएं दोनों ही यथार्थ जीवन से उत्पन्न होती है। वो बताना चाहते हैं अच्छाई और बुराई, यहाँ पे जो काली रेखाएं बताया गया है वो अच्छाई और बुराई को दिखाती हैं। इसलिए प्रजापति कवि गंभीर यथार्थवादी होते हैं, ऐसे यथार्थवादी जिसके पांव वर्तमान की धरती पर हैं और आँखें भविष्य के क्षितिज पर लगी हुई हैं। इसलिए मनुष्य साहित्य में अपने सुख दुख की बात नहीं सुनाते, वह उसमें आशा का स्वर भी सुनाते हैं। साहित्य थकते हुए मनुष्य के लिए विश्रांतित नहीं होते हैं, वह उसे आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने किस्मत से अपने वादों से काम से हार मान लेता है तो साहित्य के द्वारा वो उसको प्रोत्साहित उसे आगे बढ़ाने में मजबूर करते हैं। यदि समाज में मानव संबंध वही हो जो कवि चाहता है तो शायद उसे प्रजापति बनाने की जरूरत न पड़ती, और वह असंतोष की जड़ के मानव संसाधन ही है। मानव संसाधन से पूरे साहित्य ने अपनी कवि तथा कवि की विचारधारा को रचा है, तब वे अपने मानव संसाधन की परिधि में खींच लेते हैं और मानव संसाधनों की दीवार से हेलमेट तथा कवि सुलभ सहानुभूति टकराती है। अब वो बताते हैं कि जो मानव है जो लोग हैं, लोगों ने अपने आस पास एक ऐसी दीवार बना ली है जिससे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, तथा जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो एक हेलमेट रूपी एक पत्थर है उससे टकरा जाते हैं। आगे वो कहते हैं, और शेक्सपियर एक महान ट्रेजेडी की सृष्टि करते हैं ऐसे समय जब महान साम्राज्य तथा बहुसंख्यक लोग जीवन में अपने मानव संबंधों के पिंजरे तथा पंख फड़फड़ाने लगते हैं, सीकचे तोड़कर बाहर उड़ने के लिए आतुर होते हैं, तो उस समय कवि प्रजापति रूप से भी स्पष्ट हो उठते हैं। वे समाज को दृष्टवा और नियामक के रूप में मानव विभाग के शुभुद्ध और रुद्र स्वर को वाणी देते हैं। वे मुक्त गगन की ओर गीत गाकर तथा विहक के परों में नई शक्ति भर देते हैं। आगे वो कहते हैं, साहित्यिक जीवन का प्रतिबंध रस होकर तथा समेटने संगीठी तथा वे अन्य परिवर्तन करने में अज्ञेय अस्त्र बन जाते हैं। 15वीं-16वीं सदी में हिंदी साहित्य ने यही भूमिका परी थी। तो आगे वो बताते हैं कि उन्होंने यही जो भूमिका है वो पूरी की थी। समानती पिंजरे के बंद मानव मुक्त तथा मुक्ति के लिए वर्ण और धर्म की संचिकों का प्रहार किए जाते हैं। कश्मीरी लद्दाख पंजाबी नानक हिंदू तथा सूर तुलसी मीरा कबीर बांगली चंडीदास तमिल या फिर त्रिवल्लुवम आदि आदि गायकों ने आगे पीछे समूचे भारत में जड़ मानव संबंध के पिंजरे तथा उनको झकझोर दिया गया है।
इन गायकों की वाणी से पीड़ित जनता को मर्म तथा स्पर्श कर लेने के लिए नए जीवन के बटोरा तथा उनसे आशावादी दी गई है। उसे संगठित किया गया है जहाँ जहाँ जीवन को बदलने के लिए संघर्ष में आमंत्रित किया गया है। 17वीं और 20वीं शताब्दी में बंगाली रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदू भारतेंदु तथा तेलुगु वीरेश लिंगम, तमिल भारती मलयालमी वक्तोल आदि आदि ने अंग्रेज राज्य में समान्ति अवशेषों के पिंजरे पर फिर प्रहार किए हैं। एक बार फिर से उन्होंने भारत को दुखी पराधीनता तथा जनता को बटोरा, वह संगठित किया और उनके मनोवृत्ति बदली, उनकी जो मनोवृत्ति है वो सारी उन्होंने बदली, उन्हें सुखी स्वाधीन जीवन की तरफ बढ़ाने के लिए उत्साहित किया है। साहित्य का पांच जन्म समर भूमि है उदासीन तथा राग नहीं सुनता, वह मानव को भाग्य के आश्रय बैठने तथा पिंजरे में पंख फड़फड़ाने को प्रेरणा नहीं देता, इस तरह की प्रेरणा देने वालों को पंख कतर दिए जाते हैं। वह कायरों तथा प्रारभ प्रेमियों और ललकारता हुआ एक बार फिर समर भूमि में उतरने के लिए बुलावा देता है। कहा भी है, कलिबाना ध्राष्ट जन भूमि मस्तव शूरमिनामम भरत भूमि, वो जो है भरत मुनि से लेकर, अब वो बताते हैं कि भरत मुनि से लेकर भारतेंदु तक चली आती है हमारे साहित्य की और गौरवशाली परंपरा है। इसके सामने निर्देश कला विरक्त तथा काम वासनाएं, अहंकार व्यक्तिवाद निराश पराजय के सिद्धांत वैसे ही नहीं ठहरते जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं रुकता है। अब वो बताना चाहते हैं कि जैसे सूरज के आगे अंधकार जो है अंधेरा जो है वो नहीं रुकता, उस तरह से ये ऐसे कुछ लोग हैं जिनके आगे इनकी हमारी नहीं चलती है, जो हमारे स्वाधीनता लोग हैं उनके आगे हमारी नहीं चलेगी। कभी भी मानव संबंधों के पिंजरे में भारतीय जीवन विहग बंदी है, मुक्त गगन में उड़ान भरने के लिए लोग व्याकुल हैं, लेकिन आज भारतीय जनजीवन सहंगित, यहाँ पे बोला इन्होंने, संगठित प्रहार करके एक बार फिर पिंजरे की तालियां तोड़ रहा है। धिक्कार है उन तालियां तोड़ने के बदले उस मजबूत हाथों पर जो भारत भूमि से जन्म लेकर साहित्यकार होने का दंभ करके मानव मुक्ति के गीत गाकर तथा भारतीय भारत जन को पराधीनता तथा प्राभव का पाठ पढ़ाते हैं। ये दरिद्रता नहीं है, इनकी आंखें अतीत की ओर है, ये श्रेष्ठता नहीं है। यहाँ पे वो बोलते हैं इनके दर्पण में इन्हीं के अहमवादी विकृतियाँ दिखाई देती है, लेकिन जिन्हें ये इस देश की धरती से प्यार करते हैं, इस धरती का बसने इस धरती पर बसने वालों में स्नेह नहीं है, जो साहित्य की युगांतर भूमि समझते हैं, वे आगे बढ़ रहे हैं। और साहित्य जनता का रोष और असंतोष प्रकट करता है, जो आत्मविश्वास और दृढ़ता देता है। उनकी रुचि जनता के नाम पर रुचि से मेल खाती है और कवि उसे बताता है कि इस विश्व को किसी दिशा में परिवर्तन करना है। आगे प्रजापति ने कहा कि अपनी भूमि भूलकर, अपनी भूमिका भूलकर कवि दर्पण लिखने दिखाने वाला ही रह गया है। वह ऐसा नकलची बन जाता है जैसे कि वह अपनी असलियत नहीं ना जानता हो। कवि एक व्यक्तित्व पूरे वेग से तभी निखरता है जब वह कोई समर्थ रूप से परिवर्तन चाहने वाली जनता को आगे कवि पुरोहित की तरह बढ़ाता है। इसी परंपरा को अपनाने में हिंदी साहित्य उन्नत तथा समृद्ध होकर हमारे जातीय सम्मान की रक्षा कर सकेगा। वो बताते हैं कि अगर लोगों की जो सोच है वो अगर पिछड़ी रहेगी तो कैसे जो हमारा देश है पराधीन में रहेगा, स्वाधीन कैसे होगा, और वहाँ पे से जो लोग हैं वो सारे बेड़ियों में जकड़े रहेंगे, हमेशा के लिए बंद रहेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।